हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज इससे पहले कि हम वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज एंड सेकंड वीडियो थी कि हाउ टू इंस्टॉल ए कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर ऑन योर पीसी। सो आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इन सी, कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है उसके बारे में देखेंगे हम, कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे कि प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो आज के हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे टू अंडरस्टैंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम हमारा कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या क्या उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिससे कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके सेकेंड में देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर यूजिंग सी, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स कहते हैं कि सॉफ्टवेयर हमने बनाना है, तो वो आज हम सीखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर बनाना है सी लैंग्वेज में। ओके, सो देन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कि हाउ टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम ऑन सी लैंग्वेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड मैं ये खोलूँ सब। हाँ या सो ये क्या हमारा, ये सपोज करिए हमारे कंप्यूटर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये हमारा प्रोसेसर है, जो हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक तो मेमोरी यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, सो बेसिकली प्रोसेसर के अंदर तो ये चीज़ होगी। और ये क्या है, ये हमारी कंप्यूटर की रैम और ये हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जैसे कि हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या स्टोर होता है, डाटा किस फॉर्म में, फाइल्स की फॉर्म में। ओके, एंड जब भी कोई भी फाइल लोड होगी तो उस फाइल को रैम में आएगी, फिर ही हमारा कुछ हो सकता है। मतलब जैसे कि हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं कि उसको रैम में मेमोरी जरूर मिलेगी, हर हमारी इंफॉर्मेशन को जो भी एग्जीक्यूट होनी है आगे। सो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का स्टेप्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले कि हमारी या हार्ड डिस्क में एक फाइल तो स्टोर होगी जिसके अंदर ये डाटा पड़ा होगा। ओके, ये डाटा पड़ा होगा हार्ड डिस्क के अंदर। देन जब भी वो डाटा मैं रैम में आएगा, रैम में क्या आएगी, इस डाटा की कॉपी, इस फाइल की जो कॉपी है वो रैम में आएगी। ऐसे कॉपी जब रैम में आएगी तब वो इनबिल्ट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने का। जैसे कि ये यहाँ से कॉपी उठी और रैम में आ गई, रैम में उसको मेमोरी मिल गई। सो जब वो हर चीज़ रैम में आ जाएगी, हमारी फाइल की डाटा रैम में आ गया, तो जैसे कि 16-बिट आर्किटेक्चर की बात करें, 16-बिट आर्किटेक्चर में क्या होगा, इसके अंदर कोई ना कोई डाटा होगा। जैसे हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, सपोज कीजिए प्रोग्राम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम डाटा क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, एंड फाइल के अंदर है। देन 16-बिट आर्किटेक्चर में क्या होगा, पहली 16 जो 01 है, डाटा तो 01 के फॉर्म में होगा, इतना तो पता है। जो पहले 16-01 है वो जाएंगे मेमोरी यूनिट में। देखिए मेमोरी यूनिट में उन वो आ गए पहले 16-01। मेमोरी यूनिट क्या करेगा, इस मेमोरी यूनिट के अंदर बेसिकली होता क्या है, मेमोरी यूनिट है सेट ऑफ रजिस्टर्स। इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स पड़े हैं मेमोरी यूनिट के अंदर, और हमारे रजिस्टर्स के अंदर एक ऐसा रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो कि इस इंफॉर्मेशन जो भी आई है 16-बिट की, इसको स्टोर करेगा उसके अंदर टेम्परेरली। ओके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर करेगा। बेसिकली 16-बिट की इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का साइज भी 16-बिट है, क्योंकि वो 16-बिट ही स्टोर करेगा। देन 16-बिट रैम से आई हमारी मेमोरी यूनिट में, और मेमोरी यूनिट के अंदर गई हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, स्टोर हो गई है 16-बिट इंफॉर्मेशन। देन अगली चीज आती है कंट्रोल यूनिट। ओके, मेमोरी यूनिट में आने के बाद हमारा प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जाएगी कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट उसको क्या करेगा, ध्यान से सुनेगा ये बात, कंट्रोल यूनिट हमारी इंस्ट्रक्शन को समझेगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है, उसको डिकोड करेगा और उसको हैंड ओवर करेगा एएलयू को। ओके, ये
मेमोरी यूनिट ने इंस्ट्रक्शन दी कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल यूनिट ने उस इंस्ट्रक्शन को समझे, उसको डिकोड किया। डिकोड करने का मतलब उसको ALU को बताया कि क्या करना है ऑपरेशन परफॉर्म। बेसिकली ALU के अंदर क्या होता है, ALU के अंदर होते हैं जितनी भी कैलकुलेशंस होंगे ना आपके, वो सारी ALU के अंदर आएगी। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU की कंट्रोल यूनिट एंड MU की मेमोरी यूनिट। ओके, देन कंट्रोल यूनिट बताएगा कि ALU को क्या करना है, आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस डाटा पे। ओके, देन उसके बाद जैसे ही वो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, देन ये स्टेप्स रिपीट होगा कि नेक्स्ट 16 बिट्स की इंफॉर्मेशन जाएगी मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट क्या करेगा, उसको समझेगा, पास करेगा CU को, CU क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, वो ALU को हैंड ओवर करेगा, ALU में ऑपरेशन परफॉर्म करेगी जो CU ने बोला है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये स्टेप्स रिपीट होते होते हमारा फाइनली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर, हाउ टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर ऑन सी लैंग्वेज। ओके, तो ये बात मैं आपको बता रहा था कि सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। सो ये क्या है, sum.exe फाइल। आपने फर्स्ट लेक्चर में हमारे पढ़ा होगा कि exe फाइल क्या है, अगर नहीं पढ़ा तो वहां पे जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए जो हमारा मेन फोकस था कि sum.exe फाइल क्या है। बेसिकली sum.exe फाइल है हमारा एक सॉफ्टवेयर। अगर कोई भी क्लाइंट या यूजर को अगर मांगता है हमसे सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर मांगता है हमसे, तो हम उसको ये वाली फाइल देंगे sum.exe। पूरा प्रोग्राम नहीं देंगे, ये फाइल देंगे खाली। ओके, मतलब कि वो हमसे sum.exe फाइल लेगा। सो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा sum.exe फाइल, वही हमारा सॉफ्टवेयर होगा। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। या जब भी हम कोड ब्लॉक्स में कोई प्रोग्राम को सेव करेंगे, तो मैंने जैसे बताया था कि कोई भी फाइल सेव होती है पहले फाइल नेम होता है फिर फाइल एक्सटेंशन। ओके, फाइल नेम का हमने रखा कि ये सम करेगा, sum.c। .c क्या है, एक्सटेंशन। इससे पता चल रहा है कि हमारा प्रोग्राम सी लैंग्वेज में होगा, क्योंकि जो भी हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे वो .c एक्सटेंशन का होगा। और ये इसके बाद इसके अंदर कुछ कोडिंग लिखी होगी। ओके, देन एक चीज है प्री प्रोसेसर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। प्री प्रोसेसर बेसिकली क्या है, प्री प्रोसेसर के अंदर है जो भी आपकी .c फाइल में जो भी आपका हैश से स्टार्ट हो रही है स्टेटमेंट्स, उसकी कोडिंग सारी प्री प्रोसेसर के अंदर है। देखिए यहाँ पे, वन सेकेंड, या देखिए हेडर फाइल्स मतलब कि हैश इंक्लूड, जैसे मैंने एक ही फाइल लिया हैश इंक्लूड stdio.h, ये सारी हेडर फाइल्स हैं जो हमारे प्रोग्राम्स में इनका यूज होगा। बेसिकली प्री प्रोसेसर क्या करेगा, हेडर फाइल्स सारी लाएगा और इस प्रोग्राम में डाल देगा कि हम क्योंकि उनका यूज कर पाए आगे। ओके, सो जो भी हैश से स्टार्ट होगी वो सारी प्री प्रोसेसर करेगा। ओके, देन हमारे नेक्स्ट है प्री प्रोसेसर बेसिकली क्या करेगा, उन फाइल्स को लाके हमारा एक नया फाइल बनाएगा sum.i की एक्सटेंशन में। ओके, देन देखिए sum.c था, प्री प्रोसेसर ने क्या किया, हेडर फाइल्स इंक्लूड की इसके अंदर, उसकी कोडिंग पड़ी हुई है प्री प्रोसेसर में, उसने कन्वर्ट कर दिया sum.i की एक्सटेंशन में। बेसिकली sum.i का जब हमारे पास ये बन गया sum.i, सो हमारा एक कंपाइलर है। कंपाइलर जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी इसकी वीडियो देखी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। कंपाइलर क्या करेगा, उस sum.i फाइल को लेगा, ना कि sum.c, वो sum.i की एक्सटेंशन वाली फाइल को लेगा और एक नई फाइल बना देगा sum.obj की। ओके, बेसिकली कंपाइलर ने क्या किया, sum.i को कन्वर्ट कर दिया sum.obj के फॉर्म में। ओके, ये जो sum.obj फाइल आई है ये कंपाइलर ने बनाई है sum.i की फाइल लेके, ना कि sum.c की। sum.i की फाइल उसने उठाई, उसके अंदर जो भी कोडिंग थी उसको कंपाइल किया और एक नई फाइल बना दी sum.obj की। ओके, अब हमारे पास एक चीज आती है
लाइब्रेरी फाइल्स। बेसिकली लाइब्रेरी फाइल्स क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में। जैसे सपोज कीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं इंग्लिश की, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी, जिसके मीनिंग्स आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी की हेल्प लेंगे उसके मीनिंग जानने के लिए। लाइब्रेरी फाइल्स भी सेम वही है। लाइब्रेरी फाइल्स में क्या होगा, जो कि सम डॉट ओ बी जी के अंदर कुछ कोडिंग ऐसी होगी, वो वन सेकेंड, एक लिंकर होता है, क्योंकि सम डॉट ओ बी जे सिस्टम, जैसे कोई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आएगी। हर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज में हमने ये प्रोग्राम बनाया तो खाली विंडोज को समझ आएगा, ना लिनक्स को, ये सबको नहीं आएगा। ओके, सो बेसिकली क्या करती है लाइब्रेरी फाइल्स, वो कुछ फाइल्स सम डॉट ओ बी जे में इंक्लूड करती है। ओके, और लिंकर सॉफ्टवेयर है, लिंकर सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारा सम डॉट ओ बी जे फाइल में लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड कर देगा, हमारी एक नई फाइल बना देगा सम डॉट ई एक्स ई फाइल। सो बेसिकली जो हमारी सम डॉट ई एक्स ई फाइल बनी है, वो बनी है लिंकर की हेल्प से, और यही हमारा एक सॉफ्टवेयर है। अगर कोई मांगता है कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर बना के दीजिए, तो आप उसको ये वाली फाइल देंगे, देखिए सम डॉट ई एक्स ई फाइल। ओके, देन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि सम डॉट ई एक्स ई फाइल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी, मतलब कि वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाएगी या कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगी, सोचिए इसके बारे में। कुछ स्टूडेंट्स से सोच रहे होंगे कि वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगी, वो खाली पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगी, क्यों? देखिए पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले तो ये फाइल्स थी, सम डॉट आई, सम डॉट ओ बी जे, सम डॉट सी, और सम डॉट ई एक्स ई फाइल जब आपने यूजर्स को दी होगी अपने, सो उसको कुछ कंपाइलर, लिंकर, प्री प्रोसेसर किसी की जरूरत नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। वो सिंपल इस पे डबल क्लिक करेगा और जो भी इसके अंदर की कोडिंग होगी वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक सी फाइल जो कि आपका सॉफ्टवेयर है, जो भी इसके अंदर जिस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा उसके, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगी, ये हर प्लेटफॉर्म में चल जाएगी आपके सम डॉट ई एक्स ई फाइल। इसके लिए कोई ना प्री प्रोसेसर, ना आपकी हेडर फाइल्स, ना कंपाइलर, ना लिंकर की जरूरत है, क्योंकि जो आपने सी फाइल बनाई थी वो सारे ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके ही आपकी ई एक्स ई फाइल बनी थी, सो आपको इसमें किसी की जरूरत नहीं है, आपने खाली ई एक्स ई फाइल देनी है यूजर से, अपने क्लाइंट्स को जो भी देनी है। ओके, सो थैंक यू, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और ये आपके बहुत काम आ रही है, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि कैसे ही मैं कर पाऊँगा आगे अपने, और नेक्स्ट वीडियोस में भी काफ़ी कुछ मैं सिखाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।